चैनल फाइव स्टार अनबॉक्सिंग और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं होम एसेंशियल से रिलेटेड प्रोडक्ट और ये है हमारा डोरमेट का सेट। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये हमारे डोरमेट्स हैं गाइस। ये मुझे 4 का सेट मिला है, इसमें सिंगल इंडिविजुअल भी आता है। अगर आप 4 का सेट या प्राइस एक साथ लेते हैं तो उसका प्राइस आपको काफ़ी कम में पड़ जाता है। तो मुझे कॉम्बो मिला है, इसमें 4 हैं। मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरीके का ये डोरमेट है, आप देख सकते हैं इसको। इसका साइज जो है वो मीडियम साइज है। इतना जो डोरमेट का एक प्रॉपर साइज होता है उस हिसाब से मीडियम साइज है। डोरमेट्स आपके किचन में भी यूज हो सकते हैं, बाथरूम में भी यूज करते हैं आप, अपने लिविंग रूम में भी यूज करते हैं। ये डेली एसेंशियल्स में यूज में आते हैं आपके। अब चलिए इसके हम क्वालिटी या आपकी प्रोडक्ट के वाइज इसकी बात करते हैं। सो ये गाइस कॉटन का है, इस तरीके से मैं इसको उल्टा करके दिखा देती हूँ। इस तरीके का है, कॉटन का बना हुआ है, ऊपर से इसका वुलन दिख रहा है। ये जो भी पानी है इसमें सोख लेगा आराम से। वॉशेबल है, आप इसे वॉश कर सकते हैं। मल्टी कलर में है, ये डिफरेंट है, देखिए आप इसमें डिफरेंट कलर है। मैं इसको भी एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। ये ब्लू कलर में शेड दिया हुआ है इसका, इस तरीके से देख सकते हैं आप। 2 ब्लू कलर में मुझे मिले हैं और 2 मरून कलर में मिले हैं। सो गाइस ये इसके मल्टी कलर में है, लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, एक रूम डेकोर में भी ठीक लगेगा ये। और उसके साथ ही ये कॉटन का है, जो भी इसमें आप पानी या पैर पोछते हैं तो ये आराम से सोख लेगा। सेकेंडली ये वॉशेबल है, इजिली आप वॉश कर सकते हैं और इजिली आप इसके सुखा सकते हैं। ये मशीन में भी वॉश हो जाएगा और ये मीडियम साइज में मिलेगा आपको। गाइज इसमें आप इंडिविजुअल लेते हैं तो आपको ये थोड़ा सा हाई मिल जाएगा, और अगर आप इसको एज अ कॉम्बो लेते हैं, एज अ पैक लेते हैं तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। डेली यूज के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। गाइज अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और गाइज ये डेली यूज का प्रोडक्ट, ये डोरमेट अगर आपको अच्छा लगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.